बाबा की स्तुति की और यहाँ तक स्थिति पर आ गए कि महाराज सब कुछ कर दो, लेकिन हमने जिस स्थान को यहाँ पर आपकी पूजा की है इस स्थान पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वहां पर थानेश्वर नामक जागेश्वर ज्वालेश्वर नामक महादेव विराजमान हुए। एक दूसरी बात, तुमने कहा कि हमारे पिता बहुत बड़े दानी हैं। कितने बड़े दानी हैं ये सर्व, लेकिन आज तुम्हारे पिता की स्थिति क्या है? एक काम करो, तुम बहुत बड़े बलवान हो व्यास जी, अपने पिता का बंधन छुड़वा लो। जिस समय पति को पाताल लोक में भेज दिया विष्णु के द्वारा, कहा गया कि इंद्र की आज्ञा का पालन करना है तुम्हें, यदि आज्ञा से कोई चूक हो गई तो कम्बल और अस्तर सात सिरों वाले नाग तुम्हें पास में बांध लेंगे और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे, स्थिति हो सकती है कि तुम्हें मार दिया। तो इंद्र की चूक होने के कारण कम्बल अस्तर दोनों नागों ने आपको बंधन में बांध लिया, आपके पिताजी को बंद और बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि कुछ कहने के नहीं थी, सारा काम भूल गए जी, सारी पराक्रम भूल गए, वहां पर कोई पराक्रम काम ही नहीं आया। तो नारद जी गए और जाकर के उन्होंने मंत्र बताया जिसका स्तोत्र कराया, करुण के द्वारा कम्बल अस्तर नागों से छुटकारा मिला और विष्णु की आज्ञा के अनुसार व्यास जी एक योजन परिधि निश्चित करती कि ये तुम्हारे द्वारा ये परिधि अगर बाहर चले गए तो तुम्हारे मस्तक स्वस्थ होने हो जाएंगी। बलि ने कहा गए हम क्या करें, स्थित तो हो गए लेकिन हमारी उदर पूर्ति का साधन कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा और भागवान चंद्र आया यज्ञ में राजा बलि को रक्षा सूत्र मिला और तुमने कहा आप थोड़ी गरम गरम बांटता हो, हम चाहते हैं हो जाए दोनों। हाँ व्यास जी आपका संकेत समझ गए, एक क्षण उनकी वार्ता का पहले उत्तर कोई जवाब नहीं। सुने आपने कहा हमारे पिता के बारे में और कह रहे हो इंद्र उन पर भारी रहा, एक की बात नहीं है, कई वो तो घूमता रहा मगवा अति मलीना था, वो एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कई वो तक उसकी स्थिति हमारे यहाँ बंधन में रही और महाराज तू तो कई जगह बांधे गए, एक जगह नहीं हमारे यहाँ तुम्हें बच्चों ने बांध दिया, छोटे छोटे बच्चों ने, क्या स्थिति थी? दी में मार रहे तुम बधे पिता घोषाला में छोटे छोटे बच्चों ने बांधा, हमें बधने की बात कर रहे हमारे पिता की नहीं बात कर रहे, कितनी झूठ मूठ पर हम कहानी बन रहे हो, तुम्हारी स्थिति है हमारे यहाँ तुम्हें छोटे छोटे बच्चों ने बांधा, ले गए पकड़ घोषाल मत, अरे धोए के सर्वोत्सव था, तुम्हारी स्थिति क्या थी? वहां खेलते खेलते हम पहुंचे तो मैंने देखा कि अरे रावण जी की दशा है, तुम असुधार रहे हो, मैंने कहा ना छोड़ दो तो बंधन मुक्त करो, इस समय बंधन मुक्त हुए और इसे भागे पीछे में और सुनो और तुम्हें क्या तुम्हारी बड़ी गुरुकुल दिखा हुआ कहा व्यास जी, एक समय भगवान बाली भगवान सूर्य की आराधना कर रहा था, भगवान सूर्य की आराधना कर रहा था और तुम्हें पैर धो करके वहां हमदार थी बाली को उसने धर के तुमको पट्टा पटक कराया कठिनी में, छह महीने तक तुम दबे रही बहुतेरा जोर लगाया कहां भी पड़ गई थी, बहुतेरा जोर लगाया और भगवान सूर्य की जिस समय जल देने के लिए बाली की भुजा उठी छह महीने बाद ऐसे भागे पीछे नहीं आ रहा, ये सब हमसे न बताओ, हम सब जानते हैं और हम हैं क्या, हम क्या हैं तुम क्या हो, सही तुमने कहा कि हम तुम्हारी भुजाएं, हमें भुजाएं साधन थोड़े भी नहीं है, हम पर शिव में होकर प्रसन्न मुझको सहसा तब धनुष 500 कंधों पर, एक एक बात का उत्तर देंगे, तब धनुष 500 कंधों पर अरब मेरे
मैं साहसवान चलाता हूँ, इसलिए नाम है साहसवान, और मैं साहसवान मत वाला हूँ। तो हमसे टकराना खेल नहीं रात जी, तुम्हारी बात हमसे टकराना खेल नहीं, अरे बढ़े कर चले चलाना है, और पावों का संग्राम नहीं, यही इससे टकराना है। और ये खून हमारा गर्म किया तो स्थिति बदल जाएगी, ये खून हमारा गर्म किया अगर तुम्हें फट जाएगी, अलंका पर तेरी फरी जमाने से मिट्टी मिल जाएगी। वाह बेटा वाह, तुम्हारे मेरे मिट्टी के शेर सर्वप्रथम मैं एक वार्ता को रखता हूं, अब उन्हें दोबारा नहीं कहता हूं। ये उपस्थित समाज बैठा हुआ है इस व्यास पीठ पर, बड़े विद्वान हमारे व्यास जी विराजमान हैं, शायद है एक नहीं सात वर्ष में अनेका अनेक रावण और पाणा सुर संवाद देखे होंगे। शायद ही तुम्हें कोई रावण ऐसा मिला हो, यह जब हम कहे चाहे तो कह सकता हूं मेरे द्वारा माया के रावण बना दिए गए, लेकिन नहीं जैसी शायद ही कोई रावण ऐसा हो जिसने अपनी पराजय स्वीकार की हो। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, मैं भुजा उठाकर कहता हूं कि बाणासुर जी ने जहां जहां बताया है और किन स्थानों पर रह गए हो, इनसे बचाने में चूक हो गई हो, तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूं कि मैं पराजित हुआ, व्यासी रावण पराजित हुआ, ये रावण स्वीकार करता है, ठीक है। और रावण अकेला क्या पराजित हो गया महाराज, अरे हम अकेले हारे, सब हारे, एक कलप जब देव उठारे और समर जलंधर सन सब हारे, हम हारे, हमारे गुरु महाराज हार गए, हमारे भोले बाबा हार गए, समस्त देवता हार गए, वहां भी हारे थे, वहां भी हारने का क्रम था। देवराज कोई बात नहीं, आपने अपना पक्ष रख दिया है, वैसे तो आपको आगे चलना चाहिए जैसी नियमानुसार आपको आगे चलना चाहिए, हमें पीछे चलना चाहिए, लेकिन तुम बहुत चतुर खिलाड़ी हो ना, बहुत चतुर खिलाड़ी है, ये क्या कर देते हैं कि चित भी करना चाहते हैं पट भी करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं तो ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। एक कलम जब देव तुफाए समय जलंधर सन तब हारे, एक कलम जब जलंधर ने जोहर जोर दिखाया था, देवराज को विश्व समेत रण से मार भगाया था, उस बिंदापति के आगे भूतनाथ भी भागे थे, वो बेचारे बूढ़े ब्रह्मा भगने में सबसे आगे थे, जय भले पराजय न बदले और भूले तेरी का नाम है, और हार मानकर बैठ जाए चूर वीर का काम है। ब्रह्मा से प्रदान प्राप्त करने के उपरांत में निकल प्रहरण दिग्विजय के लिए और हमारी अमुक अमुक स्थानों पर पराजय हुई, पराजय हुई, हमको बड़ी ग्लानी हुई, हमें मिल गए श्रीमान जी की जिनकी बात कर रहे थे, श्रीमान जी के कौन वो कोई एक जी, एक आत्मा है रावण, तुमने ब्रह्मा के बदला तो प्राप्त कर लिया, हम कालू के मरण मारे,
सब भी होगी। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा वरदान नहीं दिया गया, किसी देवता के द्वारा, किसी के द्वारा तुम्हें वरदान नहीं दिया गया कि तुम काहू के पितो न पीते। ये व्यवस्था थोड़ी थी, अरे मारने की व्यवस्था थी, पिटने की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। तो हम पिटे, मारे गए, बांधे गए, घसीटे गए, खींचे गए। हमारा बड़ी किरानी हुई, उन्होंने हमें मार्ग बताया कि रावण शक्ति भोले बाबा के पास आराधना करो, तपस्या करो और भोले बाबा को प्रसन्न करो, शक्ति प्राप्त करो। तो मैंने भोले बाबा की आराधना की, और कैसे की जाती कि 1000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत अपना एक मस्तक काटा और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरह काटते काटते, व्यवस्था करते करते, तपस्या करते करते, मेरा जब 10वां चरण काटने के लिए उद्यत हुए तो भोले बाबा ने पकड़ लिया मेरा हाथ, सिर पर रख दिया परम हस्त और अजय का वरदान दिया है। अगर तुम्हें अजय का दिया है, उनके द्वारा दिया गया है, तो हमें भी उनके द्वारा अजय का वरदान प्राप्त है। और क्या अजय का वरदान दे दिया? अब एक क्षण, एक क्षण रुकिए, एक सेकंड आगे की बात थोड़ी, क्या आप अजय के वरदान प्राप्त है? एक सेकंड सुनो, आप भागो नहीं, भागो नहीं, भगाना नहीं चाहती। और तुम इतने प्यारे हमारे हो, क्योंकि रिश्तेदार हैं, नहीं मालूम आप लोगों को, नहीं मालूम आपको, मालूम इसीलिए तो, इसीलिए तो हम शांत हैं, इसीलिए तो हम शांत हैं। हम बंद हैं, संबंध है क्या? सुनो, सुनो, हमें कह देने क्यों परेशान हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, बड़बड़ाओ। हम इनके रिश्ते में फूफा लगती, वज्रज्वाला इनकी बुआ लगती रिश्ते में, कुंभकर्ण की पत्नी। तो क्या हुआ कि तेजी हमें चंद्रहार और सिर पर रख दिया वरद है। तो मैंने क्या किया, मैंने व्यवहार बांटना का प्रारंभ कर दिया। कहां पा गया, सेना लेकर चढ़ा इंद्र पर, तत्काल प्राण पर मांगा और त्रिभुवन प्रज्ञा कुंज बिहारी ने धाम छोड़कर भागा। मेरे एक मुश्चित प्रहार से वाहन तने भूत से धूल धरती पर लौटने लगा, भाग गया हमारे सम्मुख से। सेना लेकर चला इन पर, तत्काल प्राण पर मांगा, त्रिभुवन प्रज्ञा कुंज बिहारी ने धाम छोड़कर भागा। और बल के भवन पहना भूषण, वार्ता पर हाथ,